नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो छोटे नवजात शिशु होते हैं तो माँ का स्तनपान करते हैं या ऊपर का दूध पीते हैं बच्चे, तो बच्चों को तुरंत उल्टी कर देते हैं, दूध पीने के बाद तुरंत उल्टी कर देते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। पेरेंट्स, जो हमारे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो वो अक्सर दूध को जब माँ का स्तनपान बच्चा करता है तो बच्चे करने के बाद थोड़ी देर बाद या तुरंत ही पीने के बाद बच्चा उल्टी कर देता है, यानी बच्चे को दूध वो हजम नहीं होता है। पेरेंट्स, बच्चे का दूध हजम नहीं होगा, बच्चा तुरंत उल्टी कर देगा तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है, जो विकास है अंदर का, तो वो कमजोर पड़ता जाएगा और उस बच्चे को दूध पचाने की जो अंदर की शक्ति होती है तो वो बच्चे के कमजोर होती जाएगी और आपका बच्चा जो है दुबला पतला और कमजोर होता जाएगा और बच्चे को अपच की शिकायत हो जाती है, यानी दूध बच्चा अपच की शिकायत हो जाती है और वो दूध बच्चा पचा नहीं पाता है। तो जब माँ का बच्चा दूध पीता है, माँ का स्तनपान करता है, तो माँ को क्या करना चाहिए कि माँ जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो माँ को किसी तनाव, मतलब अंदर उसके कोई तनाव नहीं रहना चाहिए माँ को, और शांतिपूर्वक रहना चाहिए और माँ को खुश रहना चाहिए जब बच्चे को दूध पिलाएं। और बच्चे को जब दूध पिलाने के पहले, थोड़ी देर पहले बच्चे को जब आप दूध पिलाती हैं तो एक गिलास पानी आप पी लें, पीने के बाद तब बच्चे को अपना स्तनपान कराएं। तो बच्चे की जो ये बच्चा दूध को निकाल देता है और बच्चा पलट देता, उल्टी कर देता है, तो बच्चे की ये शिकायत जो है तो ये नहीं होगी और बच्चा आपका ठीक से दूध पिएगा और बच्चा अच्छा और स्वस्थ रहेगा। बच्चे को दूध पिलाते समय माँ की जो पोजीशन होती है वो बच्चे को लेट करके कभी भी दूध ना पिलाएं और बच्चे को इस तरीके करके दूध पिलाएं कि बच्चे को जो बच्चे का जो सिर है और बच्चे का जो मुंह है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए और जो बच्चे का ये पेट से और पैर तक थोड़ा सा निचले भाग में होना चाहिए। तो बच्चे को इस तरीके से हाथ लगा करके और इस तरीके से बच्चे की गर्दन रख करके यहाँ पे और ऐसे करके आप बच्चे को दूध पिलाएं। तो बच्चे की जो अपच की शिकायत है वो बच्चे का दूध पच जाएगा और बच्चे को कभी भी उल्टी नहीं होगी। पेरेंट्स, बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप 4 या 5 मिनट तक बच्चे को इस तरीके से लगा करके अपने सीने, अपने इधर इस शोल्डर में लगा करके बच्चे को थोड़ी देर तक थपथपाएं ताकि बच्चे का जो दूध है वो डाइजेस्ट हो जाए और बच्चे को गैस भी बन जाती है तो वो बच्चा जो है गैस का शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगी तो बच्चे को दूध भी पचेगा और बच्चे को दूध जो है वो दूध पीने से गैस नहीं होगी और बच्चा बार बार दूध जो पलट रहा है वो आपका बच्चा दूध भी नहीं पलटेगा। और माय डियर पेरेंट्स, आप बात करते हैं कि जो बच्चे बोतल से ऊपर का दूध पीते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आपको पिलाना है कि उससे भी बच्चे को, जो ऊपर का दूध भी बच्चे बोतल से पीते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों की ये होती है कि बच्चा दूध पीते ही पलट देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चा हमारा बोतल से दूध पी रहा है तो बच्चे को लोग क्या करते हैं कि ऐसे सीधे ही लेटा देते हैं और वो बराबर बच्चा लेटा रहता है और बच्चे की जो ऊंचाई जो सिर के ऊपर होनी चाहिए वो चीज़ नहीं रहती है, तो बच्चे को वो दूध जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो बच्चा इससे भी बार बार पलटी कर देता है बच्चा। तो आपको क्या करना है, जब बोतल से आप दूध पिला रही हैं तो बच्चे को, जो बच्चे का सिरहाना है उसमें थोड़ी सी कुछ बच्चे को सिरहाने में ऊंचाई रखें या बच्चों की छोटी छोटी सी जो पिल्लो आती हैं तो उनको आप लगाएं, तो बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए इस तरीके से, जो बच्चे का निचला वाला भाग है पेट से नीचे तक तो वो नीचे रहना चाहिए। तो बच्चे का जो दूध है तो यही दूध पिलाने की पोजीशन होती है और बच्चा जो ये लोग नहीं करते हैं और सीधे लेटा करके दूध पिला देते हैं तो बच्चों को दूध पलटने की शिकायत हो जाती है। और अगर उल्टी करने की बच्चे की बार बार ये आदत है, बच्चा की बार बार उल्टी कर रहा है, तो बच्चे को पूरा यानी फुल दूध ना पिलाएं कि बच्चे का पेट एकदम से ओवर हो जाए और वो दूध पलटने लगे। एक ये भी बात होती है कि बच्चे को आप इकट्ठा दूध ना पिलाएं और बच्चे को ब्रेक दे दे करके थोड़ी देर के बाद बात करके बच्चे को दूध पिलाएं।
और एक ये भी उपाय है कि जब आप बच्चे को बोतल से दूध पिलाती हैं तो दूध को बच्चे के खौलाती हैं, यानी बच्चे को दूध को उबालती हैं, तो उसमें दूध जब आप उबालती हैं तो उबालते समय बच्चे के दूध में क्या करना चाहिए आपको, जो छोटी इलायची होती है, छोटी इलायची के 4-5 दाने उस दूध में डाल दें। जो बच्चे का दूध आप गर्म कर रही हैं, उसको खौला रही हैं, तो उसमें 4-5 दाने बच्चे के दूध में आप छोटी इलायची के दाने डाल दें, और दूध को फिर ठंडा करके इलायची के जो दाने हैं उनको बाहर निकाल दें, दूध ठंडा करके आप बच्चे को पिलाएं, तो बच्चा जो आपका बार बार उल्टी कर रहा है, उसको दूध हजम नहीं हो रहा है, उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो उससे भी करने से, उसको भी इस तरीके से करने से आपके बच्चे की जो पाचन शक्ति है और बच्चे का अच्छी तरह दूध पिएगा बच्चा, आपका बार बार पलटी नहीं करेगा, और बच्चे का जो अंदर का विकास है वो सही रहेगा, और बच्चा जो अंदर से स्ट्रांग वो सही रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, अगर आपका बच्चा बार बार दूध पलट रहा है, तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, आपके बच्चे का जो अंदर का विकास होता है वो सही तरीके से जो विकास होना चाहिए वो आपके बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे का दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और बाहर का आप दूध बच्चे को पिला रहे हैं, तो बच्चे का जो दूध है एक बार चेक करके देखिए कि दूध सही है या नहीं सही है। चेक करने का मतलब ये है कि आप बच्चे का दूध जो है पिला रही हैं तो उसको बदल करके देखिए कि कहीं दूध में ही तो दिक्कत नहीं है कि जो बच्चे को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं। बच्चे को बोतल से भी दूध पिला रही हैं तो उसको कंधे से लगाकर, शोल्डर में लगाकर के बच्चे को थोड़ी देर 4-5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे करके उसको धीरे धीरे इस तरीके से बच्चे को करना है। ये जो हमने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, बच्चे के लिए, तो ये हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है बच्चों की सेहत के लिए लेकर के, तो आप इसको ध्यान जरूर दें इन बातों का। पेरेंट्स, ऐसे ही बच्चों से अच्छी जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे और दूसरे भी अपने बच्चों का इसी तरीके से अच्छी तरीके से ख्याल रख सकें।